संसद के दोनों सदनों में आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के प्लेन में ईंधन कम होने का मामला उठा। टीएमसी का आरोप है कि सीएम ममता बनर्जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉय ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के विमान में ईंधन कम था, बावजूद इसके उनके विमान को लैंड नहीं करने दिया गया। वहीं एसपी, बीएसपी, जेडीयू समेत तमाम विपक्षी दलों ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं टीएमसी के लगाए गए इन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की चूक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और विमान में कम ईंधन की जांच भी की जाएगी। हम लोग सब सहमत हैं, आपके पास फ्यूल होना चाहिए और भुवनेश्वर जाने के लिए डायवर्जन एयरपोर्ट के लिए भी आपके पास फ्यूल होना चाहिए। जब ये इतने सेट स्टैंडर्ड्स हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन जहाज थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास लो ऑन फ्यूल है। ये जो प्रश्न है इस पे डीजीसीए की इंक्वायरी हो रही है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी जहाज होता है उस पे इंस्ट्रूमेंटेशन इतना बढ़िया होता है कि हमें पता चलता है कि फ्यूल कितना था। जब पटना से जहाज उड़ा, कलकत्ते पहुंचा, तब कितना फ्यूल था। सिर्फ इंडिगो वाली फ्लाइट नहीं, स्पाइसजेट और एयर इंडिया फ्लाइट, सबकी जो पूरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे सब हम लोगों को ये पता चल जाएगा किसके पास कितना फ्यूल था। अगर कोई भी वायलेशन हुआ है, मैं माननीय सदस्य और उपसभापति जी आपको आश्वासन देता हूं, तो सख्ती से कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि डीजीसीए इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता आ रही थी, लेकिन कोलकाता स्थित एनएससीबीआई हवाई अड्डे के पास उनका प्लेन करीब आधे घंटे तक शहर के आसमान में चक्कर लगाता रहा। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहद हकीम भी उसी प्लेन में मौजूद थे। उनका दावा है कि पायलट ने कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर घोषणा की कि विमान 5 मिनट के भीतर उतर जाएगा, लेकिन विमान आधे घंटे से अधिक समय के बाद उतरा। उन्होंने कहा कि पायलट ने विमान को उतारने के लिए एटीसी से अनुमति मांगी क्योंकि विमान में ईंधन कम था, लेकिन एटीसी ने विमान को रोके रखा और काफी देर बाद लैंडिंग की अनुमति दी। तो ममता बनर्जी की सुरक्षा के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। टीएमसी गंभीर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को मारने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन ममता को मारना चाहता है। देखते रहिए डीबी लाइव।